इनकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी इंडिविजुअल इतनी स्ट्रांग परफॉर्मेंस होनी चाहिए जिसकी वजह से ये टीम जीते, ठीक है। और आज हमें वो नजर आई, किसकी तरफ से नजर आई, जेसन रॉय की तरफ से नजर आई। सलाम अलैकुम जी, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? क्वेटा का और लाहौर कलंदर का मैच खत्म हुआ और क्या जबरदस्त मैच हुआ है, मजा आ गया। सबसे पहले हम अगर लाहौर कलंदर की बात करते हैं, जिस तरीके से पिच नजर आ रही थी उस हिसाब से जो फखर जमान ने इनिंग खेली है, एक मेच्योर प्लेयर के हिसाब से इनिंग खेली है, मजा आया। उनको ये आइडिया शायद था कि स्पिनर्स को इतनी आसानी से हिट नहीं लगेगी, और जिस तरह वो शाहिद अफरीदी को खेल रहे थे या इफ्तिखार ने जब बॉलिंग की, बिल्कुल चांस नहीं ले रहे थे। शायद वो ये समझ रहे थे कि आखिरी 5-6 ओवर्स में जाके हम रन्स करेंगे, क्योंकि अगर हम जल्दी आउट हो गए तो इस पिच पे इतने ज़्यादा रन्स नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद आपने देखा, 5 ओवर जब रह गए थे, उसके बाद जब लाहौर के प्लेयर्स ने जब मारना शुरू किया तो मज़ा ही आ गया। और ब्रुक ने जिस तरीके से 41 रन्स की इनिंग खेली, और बड़े पावरफुल प्लेयर लगते हैं, टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है। फखर जमान की तो मैं बात कर चुका हूँ, उन्होंने जो 70 रन की इनिंग खेली है और इतने सेंसिबल तरीके से उन्होंने इनिंग खेली, जिसकी वजह से 204 रन्स हुए। और क्वेटा की जिस तरीके से फॉर्म चल रही थी, हम बार बार ये कह रहे हैं कि क्वेटा ग्लेडिएटर और कराची किंग्स, इन्होंने अगर मैच जीतने तो इनकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी इंडिविजुअल इतनी स्ट्रांग परफॉर्मेंस होनी चाहिए जिसकी वजह से ये टीम जीते, ठीक है। और आज हमें वो नजर आई, किसकी तरफ से नजर आई, जेसन रॉय की तरफ से नजर आई। पहला मैच था जेसन रॉय का कोटा ग्लेडिएटर्स की तरफ से, लेकिन क्या इनिंग खेली है, 100 किया उन्होंने। और जिस तरीके से वो सर्किल में मार रहे थे, शाहीन अफरीदी एक टॉप बॉलर है इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट का, हारिस रऊफ हो गए और जितने भी बॉलर थे सबको, समान जितने भी, राशिद खान, सब एक टॉप परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस PSL के अंदर। सब इन सब ने मुश्किल डाली हुई हर टीम को, लेकिन जेसन रॉय ने जिस तरह बैटिंग किया, हमें सब पता है कि जेसन रॉय वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, स्पेशली T20 क्रिकेट का। लेकिन ये नहीं पता था कि आते ही पहले मैच में कोटा के लिए, कोटा के लिए इतनी जबरदस्त वो परफॉर्म करेंगे। मैच लास्ट ओवर तक गया, लेकिन ये भी जेसन रॉय की वजह से गया, वरना अगर जेसन रॉय रन ना करते उसके बाद, उनके बाद आउट होने के बाद जेम्स विल्स ने जब 49 रन्स किए, वो नॉट आउट गए और उन्होंने जो साथ दिया उसको कंटिन्यू रखा, जिसकी वजह से कोटा की टीम ये जीती है। अब आप कोटा का जब नेक्स्ट मैच होगा, अब इनका कॉन्फिडेंस लेवल एक डिफरेंट नजर आएगा, और आना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी टीम जब हार रही होती है वो एक उसको जीत चाहिए होती है कि किसी ना किसी तरीके से एक जीत हमें मिल जाए। वो कोटा को मिल गई और कराची किंग्स वेट कर रहा है इस जीत का। तो अब जो नेक्स्ट मैच होगा कोटा का, वो एक डिफरेंट एनर्जी के साथ खेलेंगे, डिफरेंट एटीट्यूड के साथ वो क्रिकेट खेलेंगे और जरूर दूसरी टीम्स को मुश्किलात में डालेंगे। वेल डन जेसन रॉय एंड वेरी वेल प्लेड कोटा ग्लेडिएटर्स। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।